ग्राम पंचायत वासड़ा स्वास्थ्य विभाग एवं जतन संस्थान के मोमेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड आबू रोड इक्विलिटी संयुक्त में जतन संस्था की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनीता बैरवा ने स्वयं सेवक दीपक जानी ने टीकाकरण सप्ताह के उपलक्ष्य में द उम्मेद इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय के प्रिंसिपल दीपक पुरोहित से चर्चा की और उनके सहयोग से 41 विद्यार्थियों और 10 अन्य विद्यालय स्टाफ यानी कुल 51 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से ANM कांता प्रजापत, आशा कार्यकर्ता मनीषा अग्रवाल एवं कैंप वॉलियंटर शांति प्रजापत ने शिविर में अपनी भूमिका निभाई। टीकाकरण में जर्मन टीचर कुलदीप सिंह का संपूर्ण सहयोग किया। टीकाकरण शिविर पूर्ण होने के बाद प्रिंसिपल राजतन संस्थान व स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि यदि आगे भी हमारे विद्यालय की ओर से किसी प्रकार की सहायता हुई तो हम करेंगे। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, महामारी पिछले 2 साल से बड़े खतरनाक लेवल तक आगे बढ़ी और प्रिंसिपल होने के नाते, अध्यापक होने के नाते हम लोगों का उद्देश्य है बच्चों में और उनके माता पिता में ये जागरूकता बढ़ाएं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जतन जो स्वयंसेवी संस्था है वो भी आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है और वो भी लोगों को जागरूक करने में काफ़ी मदद कर रही है। अगर हम ऐसे ही सब लोग मिलजुल कर इस प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम कोविड जैसी महामारी को खत्म कर पाएंगे और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपको शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कक्षा 8 में हूँ। मेरा नाम संजक है। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप था, वो जतन संस्था का। उस मैंने वैक्सीन, मेरे को जब पता चला मैंने वैक्सीन लगाई, मेरे को बड़ी घबराहट हुई कुछ, उसके बाद गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ऋषदीप सिंह खेरा है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम निशदीप सिंह खेरा है। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगा था जतन संस्था के द्वारा, जतन संस्था से। तो जब जैसे ही मेरे को पता चला वैसे ही मैं नीचे आ गया और मेरे को पहले ऐसा हल्का सा डर लगा कि वैक्सीन इंजेक्शन लगेगा, पर जैसे ही मैंने लगाया बस 1 सेकंड का डर हुआ।